अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज हम इस टाइम हम जिला हटियावाला में मौजूद हैं और जलदाल झील की तरफ हमारी रवानगी है इस टाइम। तो मैंने सोचा पूरा व्लॉग भी डाल दूं। तो अभी हम टोटल चार लोग मौजूद हैं और मैं बताता चलूं कि उस जलदाल झील, जैसा कि आपको जलदाल नाम से पता चलेगा कि बहुत अजीब सी उसकी स्टोरी है, वो हम आपको वहाँ पर भी जाके बताते रहेंगे और रास्ते में भी पूरा रास्ता कवर करके बताएंगे। तो चले शुरू। गाइस, आज हमने थोड़ा सा सफ़र कर लिया है, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। टोटल चार घंटे का रास्ता, भी चार पहाड़ और क्रॉस करने हैं हमने, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने घबराना नहीं है, चलते सफ़र जारी रखना अपना। पीछे अभी एक नहर आ रही, नहर इकट्ठा आ रहा है इस साइड। तो गाइस, हमने एक पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं, अभी और भी सफ़र करना, अभी ये नहीं पता घंटे और तकरीबन दो तीन घंटे अपने और सफ़र करने। तो जहाँ से हम चले थे वो जगह वो सामने, अभी आपको शायद नज़र आ रही हो, वो देखें, यहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट किया था, ये रोड थी वो। और हमने इतना ज़्यादा सफ़र नहीं, अभी तो थोड़ा सा सफ़र हुआ है, कर चुके हैं, अभी और सफ़र भी करना। झील उस के पीछे हम झील के करीब करीब पहुंच गए हैं, बस ये पीछे, इससे पीछे झील है। ये दो पहाड़ है, ये एक पहाड़ वो और एक ये वाला, ये दो जब गिरे हैं जलजले में तो उसके बाद ये झील वजूद में आई है। वो सामने छोटी झील है, अभी ये भी दलदले से ही बनी थी, ये एक पहाड़ जो सामने ये गिरा हुआ है, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया पीछे, तो पानी रुक रुक के झील बन गई। अभी भी हम रास्ते में ही हैं, सामने पहाड़ से हमने वीडियो बनाई है ये, अभी इस साइड पे बड़ी झील है, उस वहाँ पर जाएंगे, वापसी में फिर उधर भी जाना है हमने, इस झील की और क्लोज से वीडियो बनाएंगे। तो सफ़र अपना जारी। तो अभी हम कब्रिस्तान पे पहुँच गए, रास्ते में आता है ये पीछे कब्रिस्तान है, बहुत पुराना, ये आपको फुल डिटेल में बताएंगे। ये आसारे कदीमा है, ये आज से 100 साल, 200 साल, 200 साल पुरानी ये मुकदस कब्रें हैं यहाँ पे, और ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। हम लोगों का किसी को याद नहीं है कि ये कब का पुराना कब्रिस्तान है, बहुत पुराने, इसमें दरख्त हैं, बहुत पुरानी कब्रें हैं इसमें, और बहुत खूबसूरत मतलब है नज़ारा है, ये देखने के काबुल है, जो भी आए यहाँ पे देखे इसको, बहुत खूबसूरत जगह है। इधर तकरीबन 200 साल पुरानी कब्रें मौजूद हैं, उनमें कोई बुजुर्ग मतलब अच्छी शख्सियत के जो थे वो सब इसमें दफन है। चले आगे, सब झील के पास है, वो सामने झील है, अभी वो सामने लगा, वो सामने झील है, जूम करो, हाँ वो थोड़ी सी नज़र आएगी यहाँ से, और बस फिर आगे आपको खबर से आगाह करें। ये सामने किसी की ज़ियारत है, बहुत घना जंगल है यहाँ पर, ये सामने किसी की कब्र है, बुजुर्ग है वो, ये बहुत बड़ी कब्र है, बहुत पुरानी कब्र है ये, अंदर लेके चलते हैं आपको, रास्ता देख सकते हैं आप, अभी इधर भी कब्रें ही कब्र है, कुछ पता नहीं है कहाँ पर रास्ता है, कहाँ पर कब्र है। ये देखें, ये इतनी बड़ी कब्र है, माशाल्लाह, ये कब्रिस्तान है पूरा, आगे हम नहीं जा सकते आगे। ये देखें, ये कब्र है, ये लाइन से कब्र है, और ये हमें कुछ नहीं पता कब कितनी पुरानी कब्र है,
वो पीछे न्यू टायर ज्यादा कब्र बनी है, कब्रिस्तान है, जंगल ही अंदर है ये। इधर दिखा फुल है ये, मुझे लगता है जो जलजले में फौत हुए थे उनकी कब्र आएंगे। ये सामने झील का टूटा हुआ एरिया जहाँ से ये बनी थी, बताएं ये ऊपर से आया है वो एरिया, ऊपर वो सामने से, वो सामने जो चोटी दिख रही है ऊपर चोटी से आया है वो नीचे, और इधर तीन बड़े गांव थे, बड़े तीन गांव थे, वो तीनों गांव नीचे जमीन के नीचे चले गए, और इतना जोर का था ये सामने ऊपर तक चला गया। अभी इसको आए हुए तकरीबन हो गए माशाल्लाह 18-16 साल इसको आए हुए, 16 साल पहले ये झील बनी थी, अभी उस वक्त ये झील बनी थी, ये झील बहुत ऊपर तक आ गई थी, वो सामने से एरिया कटा हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से ये जब पीछे से अजाब आया वो से वो फिर टूटी आगे, गांव के गांव तबाह हुए, गाड़ियां भी बीच में बह गई, सब चीज बह गई, फिर उसके बाद अभी जो है ना यहाँ पे आबादी शुरू हो गई है, वहां पे एक मकान बन गया है और ये पानी चक्की बनी हुई है जहाँ से वो पीसते दाने पीस के हम लोग आटा पिसवा के लेके जाते हैं, वो पानी की चक्की बनी हुई है जो पानी से चलती है, वो उसके पास जाके आपको फिर उसका हवाल बताएंगे। अभी झील आगे है, बहुत बड़ी झील है, उसको देखने जाएंगे, फिर उसका हवाल आपको बताएंगे। ये जगह देखने के काबिल है, जब टूरिस्ट आए वो जगह देखें उनको पता चलेगा, वो महसूस करेंगे कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। बेशक तकरीबन हमारा सफर इख्तिताम पर है, हम इस टाइम इतने थक चुके हैं, पीछे झील है, लेकिन हमने हमें एक इकबाल का शेर याद है जिसकी वजह से हमारी हिम्मत को और बुलंद होती है, वो मैं शेर अर्ज करूँगा। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलह तम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। हम झील में पहुंच चुके हैं, 2 घंटे सफर करके हम झील पे आए, 4 घंटे बोला था लेकिन 2 घंटे में पहुंच गए, सामने देखे कश्ती भी चल रही है, 2 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंचे यहाँ पर, वो सामने कश्ती है, ये झील है। इसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है, कितनी गहराई है ये, ऊपर पहाड़ की टूटने की वजह से बनी है ये। इंशाल्लाह अगर कश्ती वाला ऑफिस आए तो हम भी बैठेंगे।